राजस्थान में बीजेपी ने ढूंढा नया योगी, बोलचाल पहनावा सब कुछ सेम योगी की तरह, वो भी है महंत। दिया कुमारी के लिए कटा पूर्व उपराष्ट्रपति के दामाद का टिकट, लिस्ट देकर वसुंधरा हुई नाराज। क्या राहुल ने अभी से मान ली हार? मीडिया के सामने आकर बोला, राजस्थान में जा रही सरकार, हारेंगे गहलोत। बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें दो बड़े नाम चौंकाने वाले हैं, जिनमें पहला नाम है बाबा बालकनाथ का, जिन्हें जनता राजस्थान का योगी कहती है। ये योगी की तरह भगवा पहनते हैं, मंदिर के महंत हैं और नाथ संप्रदाय को ही मानते हैं। सीएम योगी की तरह ही इनकी भाषा भी सख्त है। बीजेपी ने इन्हें तिजारा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में लगी है, उसका करारा जवाब देने की जिम्मेदारी बाबा बालकनाथ को मिली है। इनके साथ ही इस लिस्ट में एक और नाम चौंकाने वाला है, वो है सांसद दिया कुमार का नाम। राजसमंद लोकसभा सीट से सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया की प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। जिस तरह से वसुंधरा की नाराजगी की खबरें सामने आई और दिया कुमारी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, उससे यही लगता है कि अगला सीएम कहीं दिया कुमारी को न बना दिया जाए। हालांकि अभी इस बात पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर असली चर्चा कुछ ऐसी ही है। हैरानी की बात यह है कि 41 उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 सांसदों के नाम हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया की किसी भी समर्थक का नाम इस लिस्ट में नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया के दो बड़े समर्थक राजपाल सिंह शेखावत और नरपत सिंह रजवी को पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। नरपत सिंह रजवी पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, जयपुर की विद्याधर नगर सीट से मौजूदा विधायक हैं। जयपुर की झोटवाड़ा सीट पर वसुंधरा समर्थक राजपाल सिंह का टिकट काटकर राजवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। राजवर्धन सिंह मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसी चर्चा है कि जिन सीटों पर गुटबाजी की कोशिश की गई, नेताओं ने अपने समर्थकों को टिकट देने की मांग की, वहां पर हाईकमान से सीधा सांसदों को भेज दिया और कहा कि किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं चलेगी, जो जमीन पर काम करेगा, जिसकी जीत दर्ज करने की संभावना ज्यादा होगी, उसे ही टिकट मिलेगा। हालांकि एक तरफ बीजेपी जीत की रणनीति बना रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का वो वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद ही कांग्रेस की हार की बात करते हुए दिख रहे हैं। राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान भी जा रहा है और छत्तीसगढ़ भी जा रहा है, मध्य प्रदेश भी जा रहा है, राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया। राहुल का ये वीडियो देखने के बाद बीजेपी के नेता कहने लगे, चुनाव से पहले ही राहुल ने हार मान ली, जबकि कांग्रेस कह रही है कि जुबान फिसलना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा किसी भी नेता के साथ हो सकता है, वैसे राहुल गांधी की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसलती है। राहुल ने इसके बाद सॉरी भी कहा। राजस्थान में बीजेपी ने इस बार जिस तरीके की तैयारी की है और जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है, उससे गहलोत की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि खुद को जादूगर कहने वाले अशोक गहलोत कब कौन सा जादू कर दें, ये कहना मुश्किल है। 3 दिसंबर को ही ये पता चल पाएगा कि जनता के दिल में किसने कौन सा जादू किया, क्योंकि इसी दिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जारी होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हर पार्टी के लिए 5 राज्यों का चुनाव सेमीफाइनल की तरह है। जिसने भी इसमें बेस्ट प्रदर्शन किया, उसका जोश हाई रहने वाला है। आपको क्या लगता है, राहुल की जुबान फिसल गई या बीजेपी की तैयारी देखकर गलती से उनके मुंह से सच निकल गया? कमेंट कर बताएं।